हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन साइको माफिया किंग फोर्सफुली मैरिड ए लिटिल वन ओनली फॉर हिज रिवेंज एंड प्लेजर के लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ते मैस्मोराइज्ड होकर अपने लिटिल कुक को देख रहा था। उसे ठीक से नहीं हो रहा था, फिर भी वो तियांग के हाथ से कॉटन के मदद से ब्लड क्लीन कर रहा था। ते मन में सोचता है, जो पर्सन तुम्हें इतना हर्ट किया तुम उसी के केयर कर रहे हो। तियांग कहता है, बेबी क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? कुक इनोसेंटली ते को बस देखता ही रहता है। कुक कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन उसके आंखों से इस सब पता चल रहा था। वो अब भी ते से डरता है। तियांग कुकी के फेस टच करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, क्या अब तुम मुझे माफ़ कर दोगे? एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। गुस्से के वजह से मुझसे गलती हो गया है। रिवेंज ने मुझे अंधा बना दिया था। कुकी को ते की बात समझ नहीं आ रहा था। आई लव यू बेबी, आई रियली लव यू, ते नेवर हर्ट यू अगेन, ये कहकर ते उसे कस कर गले लगा लेता है। कुक अपने सॉफ्ट हैंड से ते को हग बैक कर लेता है। डॉक्टर के कहने पर ते कुकी को 2 दिन और हॉस्पिटल में रखता है। ते अपने आदमियों से डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए कहता है। तियांग कुकी के पास कमरे में वापस जा ही रहा था तभी योंगी कहता है, किंग डॉक्टर ने कहा उसे अभी दिमागी डॉक्टर की ज़रूरत है क्योंकि जो भी उसके साथ हुआ इसका असर उसके दिमाग पर हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वो अभी जो भी मेंटल एज में है उससे भी ज़्यादा कम एज की बच्चा बन जाएगा, इसलिए सदमे से बाहर लाने के लिए उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। ये सुनकर तियांग एंग्री और डार्कली योंगी को घूरते हुए कहता है, वो मेरा हस्बैंड है, मैं डिसाइड करूँगा उसे किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं। तुम डिसाइड नहीं करोगे और ना ही कोई डॉक्टर, क्योंकि तियांग के आँखों के देखकर चुप हो जाता है। तियांग कमरे में आकर देखता है जोंगकुक जो पीसफुली सो रहा था, ते उसके पास आकर बैठ जाता है। तियांग कुकी के हेयर्स पर हाथ फिराने लगता है। तियांग के कोल्ड टच से कुकी उठ जाता है। आँखें खोलकर कुकी ते को देखकर स्माइल करता है। कुकी बेड पर उठकर बैठ जाता है। डिस्चार्ज से पहले डॉक्टर उसे चेक करने के लिए जैसे ही कमरे में एंटर किया, डॉक्टर लिटिल कुकी के वर्ड सुनकर शॉक्ड हो जाता है। कुकी अपने हस्बैंड के लिए नीडी महसूस कर रहा था। ते खुद हैरान होकर उसे देख रहा था। लिटिल कुकी अब अपने हस्बैंड के लिए ऑब्सेस्ड बन चुका था। इससे पहले ते कुछ कह पाता, कुकी तियांग के लैप पर आकर बैठ जाता है और अपने लोअर बॉडी पार्ट के तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, डैडी इट्स हार्ट। ते उसे तुरंत किस करने लगता है, वो भी डॉक्टर के सामने। कुकी मौन कर रहा था। ते नहीं चाहता कि उसके बेबी को उसके अलावा कोई और भी देखे, इसलिए ते किस ब्रेक करके कुकी से कहता है, बेबी पहले यहाँ से घर चलते हैं ठीक है, उसके बाद डैडी तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगा जो तुम चाहते हो, बस अभी थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। डॉक्टर कुकी को चेक करने के बाद हेजिटेट करते हुए कहता है, किंग आई थिंक आपको एक बार अपने हस्बैंड को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, अभी उनकी मेंटल एज के हिसाब से वो जिस तरह की चीज़ों के लिए डिमांड कर रहा है ये नॉर्मल नहीं है। तियांग कहता है, फिजिकली वो एक एडल्ट है राइट? डॉक्टर हाँ में अपना सिर हिलाता है। तियांग कहता है, यही मेरे लिए काफ़ी है। तियांग अपने लिटिल हस्बैंड के साथ कार में आकर बैठ गए थे। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। ऐसा नहीं है ते को कुकी के फिकर नहीं है, ते डॉक्टर ने जो कहा उस बारे में ही सोच रहा था और कुकी जो विंडो से बाहर के तरफ देख रहा था। दूसरे तरफ जिमिन वापस आ चुका है। जिमिन को जब ते और कुकी के शादी के बारे में पता चला उसे अपने किए पर गुस्सा आ रहा था। अब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। जिमिन अपने कमरे में बैठकर सोचने लगता है कि उसके पेरेंट्स ने कुकी के शादी उस इंसान से किया होगा जिससे वो प्यार करता है। जिमिन कमरे से बाहर आकर अपने मॉम से पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया मॉम? ते सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मैं ते से, मिसेस जियोन कहती है। क्या कहा तुमने? तो ते तुमसे प्यार करता है तो फिर तुम भाग क्यों गए थे और तुम ते से प्यार करते हो? तुम्हारे वजह से उसने कुकी से ज़बरदस्ती शादी की, तुम भागे थे, इसका बदला उसने मेरे मासूम बेटे से शादी करके लिया,
उसे चोट पहुंचाकर अपना बदला पूरा किया और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जिमिन कहता है, मॉम आप जाकर कुकी को वापस लेकर आओ, ते सिर्फ मुझसे प्यार करता है और अब मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ। अब मैं वापस आ गया हूँ तो कुकी को उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसेज जियोन कहती है, ए नहीं हो सकता, तुम एक सेल्फिश की तरह बात कैसे कर सकते हो, कुकी उससे प्यार करता है और ते भी। जिमिन जल्दी से कार की चाबी निकाल लेता है। मिसेज जियोन कहती है, जिमिन तुम कहाँ जा रहे हो। जिमिन कहता है, अपने प्यार के पास। कार जैसे ही मेंशन के अंदर एंटर करता है, योंगी कहता है, किंग हम मेंशन पहुंच चुके हैं। तेंग उसे चुप रहने के लिए इशारा करता है। योंगी कहता है, सॉरी किंग। तेंग अपने स्लीपिंग हस्बैंड को देखकर स्माइल करता है। कुकी थककर कार में ही तेंग के लैप पर सो गया था। योंगी फिर से और इस बार धीरे से कहता है, किंग मैं उसे उठाकर अंदर लेकर चलता हूँ। तेंग कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ते खुद लिटिल कुक को अपने गोद में उठा लेता है और उसे आर्म्स में कैरी करके ही सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। मूवमेंट के वजह से कुक उठ जाता है। अब ते कुकी के साथ बेडरूम के अंदर आ चुका था और कुक कुआला की तरह उसे हक करके रखा था। ते कुक के तरफ देखता है जो उसके शर्ट के बटन के साथ खेलने में बिजी था। ते उसे बेड पर लेटा कर उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, बेबी क्या तुम्हें भूख लगी है। ते कुक के साथ बात कर ही रहा था तभी उसे बाहर बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और खुद को तेयांग के पीछे छुपाने लगता है। ते अंदर आते टाइम डोर खुला छोड़ दिया था जिस वजह से बाहर की साउंड कमरे में सुनाई दे रहा था। तेयांग कहता है, बेबी डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम कार्टून मूवी पसंद करते हो ना, तुम टीवी में कार्टून मूवी देखो और मैं बाहर देख कर आता हूँ। कुकी ते का हाथ पकड़ लेता है और लो वॉइस में कहता है, डैडी डोंट गो, तू की स्कैर्ड, डोंट गो प्लीज। ते कुकी के गल पर किस करके कहता है, ओके अब तुम शांत हो जाओ। तभी उसे योंगी का कॉल आता है। ते यंग कॉल पिक करके कोल्ड टोन में कहता है, बाहर क्या हुआ है, इतने शोर क्यों है। योंगी कहता है, किंग। ते यंग कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। योंगी कहता है, किंग जिमिन वापस आ गया है और वो अब से मिलने की जिद कर रहा है। ते जैसे ही जिमिन के बारे में सुना उसके हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तेयंग कहता है, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। तेयंग कुकी को बेड पर अकेला छोड़कर चला जाता है। कुकी उसे आवाज़ दे रहा था। कुकी तेयंग के पीछे पीछे कमरे से बाहर आ जाता है। ते जैसे ही बाहर आता है जिमिन रोते हुए कहता है, तेयंग। तेयंग के आदमी जिमिन को टाइटली पकड़ कर रखा था। ते अपने गार्ड को इशारा करता है जिमिन को छोड़ने के लिए। जिमिन भागते हुए तेयंग को कसकर हक कर लेता है। जोंगकुक बाहर आकर अपने हस्बैंड को हियोंग के साथ देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। कोई भी कुक को नोटिस नहीं किया। जिमिन ते को हक करके कहता है, आई एम सॉरी हनी वेयर, मुझसे गलती हुई है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तेयंग कोल्ड टोन में पूछता है, और ये तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो। 5 साल में मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा, तब तुम कहाँ थे। जिमिन कहता है, जब मैं तुमसे दूर चला गया तब मुझे इस बात का एहसास हुआ। पहले मुझे प्यार में बहुत सफोकेटिंग फील होता था, मुझे लगा ब्रेकअप करने से मैं फ्रीली अपनी लाइफ खुद के हिसाब से जी सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। मैं तुम्हें और भी ज़्यादा मिस करने लगा, तुम्हारी इन आदतों को मैं और भी ज़्यादा मिस करने लगा। ये सब कुछ सुनने के बाद जोंगकुक के हार्ट चेस्ट में दर्द होने लगता है। कुक चिल्ला कर ते को बुलाना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और वो सेंसलेस हो जाता है। अचानक भयानक आवाज़ सुनकर सब उस डिरेक्शन में देखता है। तेयंग कुक को सीढ़ियों में परे रहते देखकर पागल हो जाता है। तेयंग जल्दी से जिमिन को अपने आप से दूर पुश करता है और भागते हुए कुकी को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे बेडरूम लेकर आता है। तेयंग कुकी के हैंड रब करते हुए कहता है, बेबी वेक अप। योंगी तेयंग के हाथ में वाटर ग्लास देता है। ते पानी कुकी के फेस पर थ्रो करता है जिससे कुक को होश आ जाता है। ते कहता है, बेबी क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हो गया था। कुक बस अपने योंग की तरफ ही देख रहा था। उसके लिटिल हार्ट के लिए इस दर्द को बर्दाश्त कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है।
कुक तेज से बात नहीं करता और उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर कुक ब्लैंकेट से खुद को काबर कर टाइटली अपने आंखें बंद कर लेता है। तेयंग कहता है, जिमिन चलो मुझे तुमसे बात करनी है। शायद वो थक गया है और अभी किसी से बात नहीं करना चाहता, इसलिए बात नहीं कर रहा है। ते बाहर आकर जिमिन से कहता है, जिमिन मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुमने अपनी फीलिंग्स समझने में बहुत ज़्यादा देर कर दी। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, मैं अब जोंगकुक से प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तेयंग के वर्ड सुनकर जिमिन के आँखें नम हो जाता है, फिर भी जिमिन स्माइल करके कहता है, आई अंडरस्टैंड, ऑल द बेस्ट फॉर यू न्यू लाइफ एंड आई एम सॉरी अगेन। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। अब डिनर के टाइम पर भी जोंगकुक ते को इग्नोर करता है, उसे बात नहीं करता। ते उसे गोद में उठाकर बेडरूम लेकर आता है। ते उसे बेड पर रखकर कहता है, बेबी क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें डैडी से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। बेबी क्या तुम अपसेट हो, और तुम अपसेट क्यों हो। जोंगकुक बिल्कुल साइलेंट था और अब भी ते को कस कर हाँक करके बैठा था। ते उसे बेड पर बैठा कर खुद उसके सामने घुटनों पर बैठकर अपने लार्ज हैंड से उसकी सॉफ्ट और लिटिल हैंड को होल्ड कर सॉफ्ट टोन में और प्यार से पूछता है, बेबी तुम किस पर अपसेट हो, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यू नीड डैडी हेल्प। ते उसे टच करते हुए बोल रहा था। कुकी तेयंग के हाथ अपने ऊपर से हटा देता है। ते उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता। ते उसे बेड पर नॉर्मल होने के लिए छोड़कर खुद बाथरूम क्लोथ चेंज करने के लिए आ जाता है। क्लोथ चेंज करने के बाद ते बेड की दूसरी साइड लेटकर कुक को कमर से पकड़कर अपने करीब पुल करता है। कुक सोया नहीं था, लेकिन वो ते के सामने ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो। तेयंग उसे अपने बाहों में सॉफ्टली होल्ड कर उसके नेक पर सॉफ्टली किस करने लगता है। तेयंग के वार्म टच से कुक मूव कर रहा था। कुक को मूव करते देख ते खुद को कंट्रोल कर लेता है। जोंगकुक तेयंग के सोने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि ते सो गया है, कुक तुरंत तेयंग की तरफ टर्न कर उसे अपने बिग डॉय आइज से घूरने लगता है। कुक अभी भी रो रहा था। कुक तेयंग के लिप्स के साथ लिप्स अटैच कर उसे किस करने लगता है, लेकिन इतने से भी उसका मन नहीं भरता। कुक तेयंग के लिप्स पर फिंगर से टच करके कहता है, यू तू की दैदी, ओनली तू की दैदी। तभी उसके नज़र तेयंग के ओपन चेस्ट पर पड़ता है। कुक खुद को तेयंग के नज़दीक कर उसके चेस्ट पर फेस रब करने और बॉडी सेंट को इनहेल करने लगता है। जिमिन के याद आते ही कुक जिलासी में तेयंग के नाइट क्लोथ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिटिल सॉफ्ट हैंड से ये नहीं हो रहा था। कुकी डेस्परेट होकर तेयंग के चेस्ट के तरफ झुकता है और अपने टीथ के मदद से शर्ट के बटन को तोड़ने लगता है। जोंगकुक के एग्रेसिव एक्शन के वजह से ते उठ जाता है। तेयंग स्लोली आइज ओपन कर कुक को डिसबिलीव के साथ देख रहा था। कुकी अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और फ्रस्ट्रेशन में तेयंग के क्लोथ को पूरी तरह से फाड़ देता है। ते शॉक्ड में था और शॉक्ड होकर बस कुकी को देख रहा था। कुक तेयंग के शर्ट फाड़ कर उसके ऊपर आ जाता है और हंगरीली तेयंग के नेक पर सक करने लगता है, वो भी एक लिटिल बेबी की तरह। जोंगकुक इस तरह से चौक कर रहा था जिस तरह से न्यू बॉर्न बेबी मिल्क पीता हो। कुकी जिलासी में ये भी नोटिस नहीं किया, ते उसके एक्टिविटी से उठ गया है। कुक तेयंग के चिन अपने माउथ के अंदर लेकर सक करने और बाइट करने लगता है। तभी ते अपने डीप वॉइस में कहता है, बेबी ए तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही कुक ते की डीप वॉइस सुनता है, कुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। कुक अपने बॉडी में शिवर महसूस करता है। कुक जल्दी से तेयंग के ऊपर से उतर कर बेड पर सिर नीचे करके बैठ जाता है। तेयंग फिर से पूछता है, बेबी आर यू सेटिस्फाइड। कुक डरी हुई आवाज़ में और चाइल्ड लैंग्वेज में कहता है, सॉरी दैदी। ते दोनों हाथ उसके फेस पर रख कर कहता है, सॉरी फॉर व्हाट बेबी बॉय। बेबी मेरे तरफ देखो और बताओ तुम सैड क्यों हो। तेयंग के वर्ड सुनकर जोंगकुक क्राइंग वॉइस में कहता है, जिमिन हियोंग। फिर कुकी इससे आगे और कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तेयंग कहता है, बेबी कंट्रोल योरसेल्फ, मैं जिमिन से प्यार नहीं करता, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ।
और किसी से नहीं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं इसे अभी प्रूव कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खुद की जान भी ले सकता हूँ। कुक तुरंत तेई को हाँक कर रोते हुए कहता है, डोंट लीव तुकी लव डैडी सो मच हियोंग स्टोल डैडी हियोंग तुकी से डैडी को चुराना चाहता है। ते उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन कुक बहुत ज़्यादा रो रहा था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और ते को एक सेकेंड के लिए भी छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। ते कहता है, बेबी कोई मुझे तुमसे नहीं चुरा सकता, चलो अब रोना बंद करो। ज़्यादा रोने की वजह से आंखें खराब हो जाता है। कुक अपने चाइल्ड लैंग्वेज में कहता है, पर डैडी डैडी लिटिल कुक से प्यार भी नहीं करता, डैडी डजन लव तुकी। ते उसे अपने करीब पुल करता है और सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी अब मैं तुम्हें अपना लव कैसे शो करूं जिसे तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। कुक इनोसेंटली लिप्स पाउट करके कहता है, देन किस तुकी। ते उसे बेड पर लेटा देता है, एक हाथ से कुकी के दोनों हाथ होल्ड कर बेड के साथ पिन कर देता है। देन ते लिटिल कुकी के लिप्स पर और उसके गर्दन पर किस कर सक करने लगता है जिसे कुक मौन कर रहा था। ते किस करते हुए पूछता है, बेबी क्या तुम कंफर्टेबल हो। जोंगकुक मुंह से बस आवाज़ें करने में बिजी था और ते को महसूस करने में बिजी था। टैंक एवरी टच से जोंगकुक खुद को और भी ज़्यादा मेल्ट होते हुए महसूस कर पा रहा था। दोनों काफ़ी हेवीली ब्रीद ले रहे थे। ते अपने साथ साथ उसका भी क्लोथ पूरी तरह रिमूव कर फ्लोर पर फेंक देता है। ते डीप वॉइस में कुक के कान में कहता है, डोंट वरी बेबी मैं तुम्हारे साथ इस बार जेंटल रहने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन ते को इस बात का पता नहीं है, कुक को ते रफ ज़्यादा पसंद है। ते अपने वन हैंड से कुक के हैंड होल्ड करके रखा था और दूसरे हैंड से कुकी के इनर लेग्स मसाज कर उसके शरीर में अपना निशान छोड़ने में बिजी था। कुकी के नेक एरिया और चेस्ट एरिया तेयंग के बाइट मार्क से पूरी तरह से काबर हो चुका था। ते हस्की वॉइस में कहता है, बेबी अगर तुम ऐसे ही लाउडली मौन करते रहे तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूँगा। कुकी बस हेबली ब्रीथ लेते हुए बार बार ते को डैडी कहकर बुला रहा था। इसके बाद कुकी 1 वीक तक अपने पैरों तक ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जहाँ भी जा रहा था ते उसे अपने गोद में कैरी करके लेकर जा रहा था। अब दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे साथ में और कुकी अब तेई से बिल्कुल भी नहीं डरता बल्कि वो अब पहले से भी ज़्यादा तेई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और एक सेकेंड के लिए भी तेई से जुदाई उसे बर्दाश्त नहीं होता। और इसी के साथ ए फैन फिक्शन यही ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय माई ऑल टेकू कर बेबीज, बाय।